हो गई है। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज नहीं एग्जाम की नोटिस निकलनी चाहिए। बिना एग्जाम की डेट लिए आज कोई छात्र यहाँ से नहीं हटेगा। रात हो जाए दिन हो जाए हम यहीं पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। आज एग्जाम की नोटिस आनी चाहिए। सर लगातार पेपर आउट हो रहा है, क्या क्या हुआ है कि पीसीएस का पेपर नहीं आउट होगा? हम लोगों को कितना शंका, इसलिए हम लोग ग्रुप में आके यहाँ बैठे। आरओ का पेपर आउट हुआ, उसके 6 दिन बाद पेपर यूपीपी का हो रहा है, उसका आउट हो रहा है। इसे हम लोग, हमारा भविष्य अंधकार में लग रहा है। इसी छात्रों में से कोई कल को SDM बनेगा, कोई क्या बनेगा, वो प्रदेश की व्यवस्था को संभालेगा। आप उसको लवारिस समझ रहे हैं, आप उसे दो मिनट बात नहीं करना चाह रहे हैं, अब बात भी करने जा रहा था आप उसको हरका रहे हैं अंदर। आरओ और आरओ पेपर लीक के मामले में छात्र लगातार आंदोलित थे। जब इनकी मांगों पर जिला प्रशासन और लोक सेवा आयोग ने ध्यान नहीं दिया तो आज छात्रों ने महापंचायत बुलाया है। आप देखेंगे जिस तरह की भीड़ है, ये देखने लायक है। ये सारे छात्र आज इस मांग के साथ इकट्ठा है कि इनका आरओ और आरओ की परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द किया जाए। और ये सब सारी मांगे साथ आप देखेंगे जिस तरह का नजारा है वो देखने लायक है। आप समझिए इस तरह से भीड़ है कि किसी को कुछ कहने पाना भी मुश्किल है। लेकिन एक हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। आज नहीं एग्जाम की नोटिस निकलनी चाहिए। बिना एग्जाम की डेट लिए आज कोई छात्र यहाँ से नहीं हटेगा। रात हो जाए दिन हो जाए हम यहीं पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। आज एग्जाम की नोटिस आनी चाहिए, यही मांग है। री एग्जाम की नोटिस आनी चाहिए। ये छात्र पंचायत है, महापंचायत, आप देखेंगे आरओ परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग है और ये लोग लगातार आंदोलित है। क्या जरूरत पा गई आज पंचायत की, महापंचायत की? आखिरकार क्या सर महापंचायत की क्या जरूरत पड़ गई छात्रों को? सर हम लोग पिछले 7-8 दिन से लगातार हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अब कोई मिल नहीं रहा है, ना कोई जवाब आ रहा है, ना कोई नोटिस निकाल रहा है। केवल हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है, टाइम मांगा जा रहा है कि आंदोलन तीव्रता घट जाए। हम लोगों का पेपर भी और पेपर सर पीसीएस पेपर है 17 तारीख को। हम लोग परेशान होकर पूरा लाइब्रेरी बंद करवा दिया, इलाहाबाद के सब जितने कोचिंग थे सब बंद करवा दिया हम लोग। पीसीएस की परीक्षा में क्या शक है आप लोगों को? यही से सब पेपर लीक हो रहा है, पैसे को बांटा जा रहा है पेपर सब। क्या कह रहे थे भाई आप? सर लगातार पेपर आउट हो रहा है, क्या क्या हुआ है कि पीसीएस का पेपर नहीं आउट होगा? हम लोगों को कितना शंका, इसलिए हम लोग ग्रुप में आके यहाँ बैठे। और पीसीएस का आरओ का पेपर आउट हुआ, उसके 6 दिन बाद पेपर यूपीपी का हो रहा है, उसका आउट हो रहा है। इसे हम लोग, हमारा भविष्य अंधकार में लग रहा है। हम अपनी बातें किससे कहने गए? पंचायत। हम लोग अपनी बातों को कहना चाहते हैं सरकार से, हम लोगों की बातों को सुने और यहाँ हम लोग जो बैठे उनको संज्ञान में लेने की बातों को और समझे क्यों हम लोग बैठे। हम लोग ग्रुप में बैठे तो अपनी मांगों को, लेकिन आज तक लिखित नोटिस नहीं आ रही है कि पेपर रद्द होगा, आंसर की नहीं होगा। इसको लिखित हम लोग देते, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष लिखित देना चाहिए हम लोगों को, लोक सेवा आयोग का लिखित देना चाहिए। क्या लगता है सर महापंचायत की अगर छात्रों को क्यों पड़ गई आज महापंचायत? क्या हम बस एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से आयोग से, क्या हम लोग लावारिस है? क्या हम लोग लावारिस अध्यक्ष साहब के लिए? अगर हम अगर हम कुछ कह रहे हैं तो हमारी बात का वैल्यू तो करिए। इसी छात्रों में से कोई कल को SDM बनेगा, कोई क्या बनेगा, वो प्रदेश की व्यवस्था को संभालेगा। आप उसको लवारिस समझ रहे हैं, आप उसे दो मिनट बात नहीं करना चाह रहे हैं, अब बात भी करने जा रहा था आप उसको हरका रहे हैं अंदर। ऐसा नहीं होता है सर, हम आपके लिए है। अच्छा, बहुत दिनों से मांगे नहीं पूरी हो रही थी जी सर, लेकिन क्यों आखिरकार महापंचायत को जरूरत पड़ गई छात्र? सर महापंचायत की जरूरत 10 दिन से सर महापंचायत की जरूरत इसलिए पड़ी है सर, हम लोग आज 20 तारीख को हम लोग आए थे यहाँ पे और उससे पहले भी लोग आए थे। सरकार और अध्यक्ष साहब हम लोगों की बात को समझ नहीं रहे और सुन नहीं रहे, अब बार बार कह रहे हैं कि आप मतलब कि हमें साक्ष्य दीजिए। सर हम साक्ष्य देंगे। क्या कह रहे थे आप? आज 10 दिन से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। आयोग सर के अध्यक्ष के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर निकल के हम लोगों की समस्या सुन सके, सिर्फ वो कुछ प्रतिनिधियों को अंदर बुला रहे हैं।
उनके द्वारा क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी छात्रों को क्या पता है, कुछ भी समुचित कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई भी आश्वासन हम छात्रों को कहना है कि पेपर एग्जाम होना चाहिए और जो मतलब जो धांधली हुई है, जो प्रतिनिधित्व हुआ है, उसका जांच जो मतलब अपराधी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा बीपीएससी में ऐसा हो चुका है, बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है पेपर रद्द हुआ, रद्द होने के बाद जांच हुई। मगर हम आज 13 दिन से हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर संजय श्री ने जो मतलब हमारे आयोग के अध्यक्ष है श्रीमान, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं। आज एक बात कहूंगा, बहुत दुख है, आज निर्णय का दिन है, आज एक बात कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज री एग्जाम की नोटिस निकलनी चाहिए, तभी आपकी काम होगा। बार बार आवाज का घेराव किया जा रहा है, लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी हम बात कर रहे हैं, आज सभी कोचिंग सभी लाइब्रेरी बंद है, सभी बच्चे आज घर से बाहर निकले हैं और यह निर्णय करके निकले हैं कि आप जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक यहाँ से जाना नहीं है। कुछ खबर भी मिल रही है कि लोग बात करने को तैयार है, इसका मतलब है कि छात्रों का दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज इसका आप सीधी सी बात समझिए कि ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई है कि छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो रही है और छात्र आंदोलित है। उनका ये सीधा कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर हमने कई बार प्रशासन और लोक सेवा आयोग के लोगों से बात की, लेकिन उनकी डिमांड पे ध्यान नहीं दिया, लिहाजा हमने महापंचायत बुलाया है। और अब ये महापंचायत तभी समाप्त होगी जब री एग्जाम की डेट घोषित होगी। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।